वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबकी क्वेरीज थी और समय की नीड भी थी कि अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस कैसे अप लेवल का दें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि उनको आता बहुत कुछ है बट वेन दे गो इन इंटरव्यू दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोस थिंग्स। उनको आता बहुत कुछ है, उन्होंने कॉलेज में, कोचिंग में या कहीं पे सीखा बहुत कुछ, यूट्यूब पे सीखा बहुत कुछ, बट जब उनसे पूछा जाता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों की कि उनको कितना नॉलेज है उस चीज़ का। तो दोस्तों इसका दो रीज़न है, एक तो ये कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ सामने वाला क्या सोचेगा, और दूसरा ये कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है कि हमको क्या बोलना है। कभी भी जब कोई भी स्क्रिप्ट बोलता है, कोई भी एक्टर हो, कोई भी जब बोलता है स्क्रिप्ट, मुझे भी बीच में बोला गया था बट मुझे उसकी आदत नहीं है, बट स्क्रिप्ट अगर बोला जाता है तो उसको 10 से 15 बार प्रैक्टिस की जाती है। उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है कि मैंने कई बार बोला है। और उसके बाद कई लोग तो मिरर में, कई लोग मोबाइल के फ्रंट कैमरे में उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि किस तरीके से मैंने बोला है, तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस लेवल अप हो जाता है उसी प्रैक्टिस के दौरान। और हम और आप क्या करते हैं, हमने कोई शेड्यूलिंग नहीं की, हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है कि क्या बोलना है, और आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव, बहुत कुछ सीखा है आपने, इंटर्नशिप किया कई जगहों पे, आपने सॉफ्टवेयर सीखे कई जगहों पे, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। व्हाई? बिकॉज आपने इस चीज को सोचा नहीं था ना कि किस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है। तो आपको पहली गलती से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट गलती तक बताता हूँ कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और बहुत बहुत थैंक यू, आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और चैनल को यार थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनसे क्या होगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक चैन बनती चली जाएगी। तो उसे आपको भी लग रहा होगा कि सर के जो कंटेंट है वो अलग ही है, इसीलिए मैंने नाम इसका दिया है यूनिक सिविल, और मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी आप कंटेंट देखेंगे uniqueCivil.com पे, तो बिल्कुल ही अलग है। मैं इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डालता हूँ थोड़ा अलग क्वालिटी का, फेसबुक पे भी आजकल मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ लोगों से कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आप मेरे यूनिक सिविल वाले पेज पे भी आके वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो सबसे पहली गलती मैंने अभी तक में देखी है लोगों के अंदर और जिसके कारण मैंने लोगों को रिजेक्ट किया है, वो ये कि जब वो सामने वाला एंट्री करता है तो उसके एंट्री में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है थोड़ी सी गड़बड़ होती है। वो एक बैग लटका लेगा और बैग लटका के सीधे अंदर आ जाएगा, उसके बाद बोलेगा सर आ जाऊं, सीधे अंदर आने के बाद क्या बोलता है, मैं आ जाऊं। कई लोग बोलते हो नहीं नहीं मैं तो पूछ के आता हूं, वो भी गलत है। कैसे आना है, पहले आपको नॉक करना है, कहां पे, नोच के सामने पर, गेट पे ऐसे नॉक करना है, क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, कौन से काम में बिजी है, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए कि मैं आ गया हूं। जब वो परमिशन देना है आप आइए, और कोशिश करिए आप बैग को बाहर रखिएगा, बैग को बाहर नहीं रखते तो आके उसके बाद मैं आई कमिंग बोला आपने, उन्होंने बोला यू कैन सीट, तो आप उनसे परमिशन लेके आप बैग को साइड में रख दीजिए, या तो बेहतर होगा कि आप बैग को बाहर रख दो, ऐसा भी क्या रहता है बैग में, कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ दो कापी और पेन रहती है, कोई नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको बाहर रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, उसके बाद एंट्री करो, और गुड मॉर्निंग नहीं विश करते हो या गुड इवनिंग नहीं विश करते हो, एंट्री करते ही आपको विश करना है। जैसे उन्होंने रिप्लाई दिया उसके बाद आपको अपना रिज्यूम ऑफर करना है सामने वाले को। तो रिज्यूम ऑफर करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखो कि रिज्यूम में सब्जी नहीं लगी होनी चाहिए, बहुत से लोगों मैंने देखा है मतलब ऐसे ऐसे जैसे सोया हुआ है रिज्यूम। रिज्यूम इज व्हाट, रिज्यूम इज योर प्रेजेंटेशन। तो रिज्यूमे को अच्छे तरीके से उनको प्रीफर करना, जो आपको देना चाहिए जैसे ग्रीटिंग दे देना, इस तरीके से आप देते हैं तो अच्छा लगता है सामने वाले को कि आप थोड़ा सा इसके अंदर मैनर्स है, ये अपने रिज्यूमे को जिस तरीके से हमको दे रहा है थोड़ा अलग है कंपेयर टू जितने लोग अभी तक आए, कोई ऐसे दे दे, कोई टेबल पर रख दे, नहीं सर दिस इज माई रिज्यूमे, इस तरीके से ऑफर करो, और उस ऑफर में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए आपको, सर दिस इज माई रिज्यूमे। तो सामने वाले क्या लगेगा, नहीं यार ये बंदा भी पोलाइट है और बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। इसके बाद अगर वो बोलते हैं कि यू कैन सीट, देन ओनली सीट, अदरवाइज एक मिनट वेट करो, आप पूछ सकते हो एक मिनट के बाद मैं सीट सर, तो अगर वो आपको परमिशन देते हैं डेफिनेटली आप बैठ जाओ। ये फ्रेशर लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ध्यान रखो, और एक्सपीरियंस के साथ भी होती है, जो एक साल के डेढ़ साल के एक्सपीरियंस होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि उतना होता नहीं है बट बढ़ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन वो क्या करेंगे, वो बिना रिज्यूमे के आ जाते हैं और कंपनी में मोबाइल पे रिज्यूमे दिखाने लगते हैं, ऐसा ही मैंने बहुत से महानुभावों को देखा है।
सर मोबाइल पर रिज्यूमे देख लीजिए या तो सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूँ क्या? भाई अगर तुमने एक हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते, मतलब तुम कितना सीरियस हो इस इंटरव्यू को हमको पता चल गया। कभी भी उस बंदे को सामने वाला सेलेक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती होगी उसने रिज्यूमे ही नहीं लाया। तो प्लीज़ रिज्यूमे को लेके आइए, और रिज्यूमे जो भी बनाइए वो रिलीवेंट हो उस पोजिशंस के लिए। आपने MSc IT कर रखी है, CCC कर रखी है, ये सब डिग्रियां आपको सिविल में किस तरीके से काम आ रही है? अगर एक्सेल का काम है तब तो मेंशन कर दो, चलेगा। लेकिन अगर ऑटो कैड रेविट स्टैट प्रो का काम है तो MSc IT और CCC और जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आपको ये पता होंगे जो नॉन रिलीवेंट हैं उनको ऐड करके CV बढ़ाने की कोशिश मत करिए, बल्कि CV में लिखिए मेजर सब्जेक्ट नॉलेज। आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज, मे बी दैट इज सोम, मे बी दैट इज RCC, तो थोड़ा सा सामने वाले को टॉपिक लग जाएगा कि चलो ये चीज़ पूछना है। दूसरा, एक क्वेरीज मेरे पास काफ़ी दिन से, एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मुझे कि सर अगर हम जा रहे हैं और हमने पहले साइट का एक्सपीरियंस ले रखा है, मीन्स हमारे पास साइट का 2 ईयर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और अब मुझे स्ट्रक्चर में जाना है, तो क्या मेरा ये एक्सपीरियंस काउंट होगा? ये क्वेश्चन सबके साथ होता है, यानी अगर आप इस्टीमेशन कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो, आपके अंदर भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर आप कोई और पोजीशन पे थे और उसके बाद अब आप फिर से जाना चाहते हो इस प्रोफाइल में, या प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो, तो ये सबके पास यही क्वेश्चन होता है। और HR इसमें दिमाग लगाती है। HR क्या करती है, आपके प्रोफाइल को रिलीवेंट नहीं बताती है। वो क्या कोशिश करेगी, क्योंकि उसको क्या करना है, आपका पैकेज को कम करना है, तो उसको कंपनी से अप्रिसिएशन मिलेगा कि इतने अच्छे एम्प्लॉय को इतने कम पैसे में हायर कर लिया। तो वो HR तो करने वाली है, तो उससे आप बच कैसे सकते हैं? उसके लिए आप बोल सकते हैं, मतलब सामने वाला जो भी इंटरव्यू ले रहा है, अगर उन्होंने बोला कि यू हैव एक्सपीरियंस इन साइट इंजीनियरिंग्स एंड लाइक फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और फ्रेशर, तो आप बोलोगे यस डेफिनेटली आई एम फ्रेशर, बट आई हैव अ गुड नॉलेज, आई हैव अ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ साइट, सो आई थिंक इफ आई यूज दैट नॉलेज, दैट कॉन्सेप्ट फॉर डिजाइन, दैट इज मोर गुड या दैट इज एक्सीलेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट और कंपनी। तो सामने वाले को लगेगा हाँ यार, इसको तो मतलब ये अपने यूज करना जानता है, अपना जो साइट का नॉलेज इसने सीखा है उसको यूज करना जानता है। बहुत से लोग इसको नहीं यूज कर पाते हो बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि उनका आंसर होता है सर लाइक दैट जॉब वॉज वेरी हैक्टिक। मतलब क्या भाई, अगर हैक्टिक जॉब हम साइट स्ट्रक्चर में दे देंगे तो आप नहीं करोगे? सर बहुत धूप में खड़े होते होते दिमाग खराब हो जाता था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए। भाई स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऑफिशियल जॉब नहीं है, ये एक पैशनेट जॉब है। अगर आप पैशनेट हो स्ट्रक्चर के लिए तभी आप अच्छे से स्ट्रक्चर में जॉब कर सकते हो, क्योंकि अगर देखोगे तो ये भी बहुत बोरिंग है और देखोगे तो ये बहुत मजेदार है। तो मजेदार उसके लिए है जिसको मजा आता है, और बोरिंग उसके लिए है जो इस चीज को बस इसलिए किया क्योंकि उसको साइड में धूप लगती थी या एस्टिमेशन में वो थक जाता था, इसलिए सोचा कि अब मुझे इसमें करना है, या सर्वे में ऑटो लेवल डंपी लेवल या थियोडोलाइट चलाते चलाते दिमाग खराब हो जाता था। अब वो सोच रहा है कि सॉफ्ट जॉब, कंप्यूटर पे जॉब, भाई कंप्यूटर की जॉब इतनी आसान नहीं होती, हम लोग कर रहे हैं इसलिए पता है, ये पकड़ लेता है पूरा का पूरा। फिर यार अच्छी बात है, कहीं ना कहीं साइड से ईजी है, बट आपको इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करना है कि मैं बहुत हैक्टिक जॉब में था, ये सब रीजन नहीं देना है। आपको रीजन क्या दे सकते हो, आप रीजन दे सकते हो कि सर लाइक आई एम वेरी मच पैशनेट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बट बिफोर 2 ईयर्स वेन आई वॉज सर्चिंग द जॉब आई वॉज नॉट गेटिंग एनी गुड अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई आई जस्ट ज्वाइन द साइट इंजीनियरिंग, बट राइट नाउ आई फील लाइक आई हैव अ गुड स्ट्रक्चर नॉलेज एज वेल एज आई हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, सो आई थिंक आई एम अ रिलिवेंट पर्सन फॉर दिस प्रोफाइल। इस तरीके से आंसर करते हो अगर, तो थोड़ा सा आपका फायदा हो जाएगा, आपका जो भी पुरानी चीज़ें जो कवर करनी चाहिए थी वो कवर हो चुकी हैं, और अब आपका ये जॉब काफ़ी हद तक कोशिश यही रहेगी कि लोग हायर करने के मूड में रहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। अब बोलोगे सर ये तो हर यूट्यूब चैनल पे बताया जाता है। हाँ बताया जाता है, क्या बताओगे? पॉजिटिव थिंकर, अलग अलग आंसर, ठीक है, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, इस तरीके से आप आंसर करते हो, बट न यूट्यूब चैनल पे और न इंटरव्यू में ये चीज बताई जाती है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो प्रूफ करो। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप प्रूफ ऐसे कर सकते हो कि सर मैंने एक बिजनेस आपका जो भी रहा हो, या तो आप बैक तो लगी ही होगी अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन आई वाज गेट द बैक ऑफ 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट, 4 नहीं लगा होगा, लगा भी हो सकता है। तो अगर आपके जो सब्जेक्ट में बैक लगी है, आपको सबने डिमोटिवेट किया होगा कि यार तुमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, और आपने उस टाइम पे अपने आप को बढ़ाया होगा, अपने आप को दम दिया होगा नहीं मैं करके रखूंगा, और आपने किया, तो ये भी आपके पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हो।
इस तरीके से जो भी आप वीकनेस बताओ, ठीक है, वीकनेस में आप एक वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ का मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर। अभी बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि वीकनेस में आप क्या बोलते हो, आपके पास लेजी, कई लोगों ने सुन रखा है कि क्या बोलते हैं लेजी बताना चाहिए आंसर में। तो भाई अगर तुम लेजी हो तो मैं हायर क्यों करूंगा, ये थोड़ा सा सोचो ना, आप कैसे रिलीवेंट काम करोगे, रिलीवेंट काम करोगे नहीं तो हम लेजी पर्सन को क्यों हायर करेंगे, थोड़ा सा सोचना। और अगर आप चाहते हो कि इस इंटरव्यू का पार्ट टू भी बनाया जाए, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें इंटरव्यू के बारे में डिस्कस की जाए, तो नीचे कमेंट करना। और आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन जल्दी से इसको 10K कर दो यार, अभी बहुत दिन से हो गया, मतलब अपने चैनल का जो ग्रो है ना ऐसे 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 जा रहा है, मतलब थोड़ा 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 जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार थोड़ा जल्दी हो, मतलब कितना वेट किया जाए, पैशनेट हूँ मैं और उसके साथ मेरे अंदर पेशेंस भी है, बट एक लिमिट होती है, उसके बाद लगता है इंसान को थोड़ा यार जल्दी ग्रोथ हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो फायदा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।